मैं ममता कपूर हार्दिक स्वागत करती हूं आपका डायरी टाइम्स में। आज हम बात करेंगे एक विशेष मुद्दे पर जो कि इस प्रकार से है, तो चलिए शुरू करते हैं। धारा 118 से खिलवाड़ महंगा पड़ेगा सरकार। सुनने में आया है कि अब जो व्यक्ति 20 साल तक हिमाचल में रहेंगे वह अपना बोनाफाइड बना सकते हैं, यानी उन्हें पूरी तरह से हिमाचल का नागरिक माना जाएगा। दोस्तों, आप तो जानते ही है ना कि हिमाचल का एक स्वर्णिम इतिहास है, संघर्षों से परिपूर्ण एक पहाड़ी राज्य जो पूर्ण राज्य के रूप में हम 50 साल पूरे करने जा रहे हैं। इन 50 सालों में हमने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, तब जाकर कहीं ये हिमाचल निर्माता डॉक्टर बाईएस परमार जी के सपनों का हिमाचल बना है। आज अन्य राज्यों के लोग हिमाचल के लोगों की शराफतों की मिसालें देते हैं। हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता का देश विदेशों में बखान है और यहाँ अन्य राज्यों की तुलना में क्राइम रेट भी कम होते हैं। तो इसका श्रेय डॉक्टर बाईएस परमार जी की उस दूरगामी सोच को जाता है जो उन्होंने प्रदेश में 118 की धारा का प्रावधान किया है। सोचिए, अगर हिमाचल में धारा 118 नहीं होती तो आज हिमाचल का नक्शा क्या होता। अब ऐसी खबरों का सामने आना कि जो व्यक्ति 20 साल तक हिमाचल में रहेगा उसे हिमाचल का नागरिक माना जाएगा, यानी कि उसका बोनाफाइड बनाया जाएगा, ये कहीं ना कहीं डॉक्टर बाईएस परमार जी के सपनों में पानी फिरता नजर आ रहा है। इसलिए है क्योंकि सरकार ने पहले भी कई नाकाम कोशिशें की थी लेकिन वह इन कोशिशों में असफल रहे थे। अब नई खबरें सही मायनों में सरकार की उस पॉलिसी को दर्शा रहा है जिसमें सरकार ये चाहती है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन अगर ऐसा सच में हुआ तो आने वाले हिमाचल की क्या दशा और दिशा होगी, इससे आप भी अच्छी तरह से परिचित हैं और हम भी। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हम एक बार फिर से हाजिर होंगे आपके सामने ऐसे ही कई विशेष मुद्दों को लेकर। धन्यवाद।